हमेशा कैम्बेट बोर्ड को ओपन कीजिएगा, फिर प्ले पर टच कीजिएगा। प्ले पर टच करने के बाद इस तरह धीरे धीरे आपका ओपन होगा, ठीक है। जहाँ पे जो सीजन वन है इसका खत्म हो चुका है, जो भी आपका इसमें रिजल्ट होगा वो जल्दी ही बता दिया जाएगा। फिर यहाँ पर लिखा है कि एक इंटरलूड सीजन, इसका एक और सीजन आने वाला है, ठीक है जी जी, जिसका नाम है आपका इंटरलूड सीजन, ठीक। फिर लिखा है व्हाट्स न्यू, इस पर टच कीजिएगा। टच करने के बाद लिखा है कि ऑल ऑफ योर इन गेम अचीवमेंट विल बी कन्वर्टेड इनटू हैमस्टर टोकन, जो भी आपके गेम में अचीवमेंट्स होंगे सारे वो हैमस्टर टोकन में चेंज हो जाएंगे। फिर एक हाउ मेनी टोकन्स, इस पर टच कीजिएगा। फिर लिखा है कि वी आर कैलकुलेटिंग योर रिजल्ट, दे विल बी रेडी सून, जो भी आपका रिजल्ट है वो कैलकुलेट किया जा रहा है, आप कितना हेमेस्टर क्वाइन मिलेगा, ठीक है, तो आपको इसकी जानकारी बहुत जल्द मिल जाएगी। फिर नीचे लिखा है थैंक्स, इस पर टच कीजिएगा, इस प्रकार से, ठीक। फिर एक अर्न न्यू वैल्यूएबल असेट डायमंड्स, अब आप यहाँ पे डायमंड्स अर्न कर सकते हैं। फिर एक व्हाट एल्स, इस पर टच कीजिएगा। फिर है कि नाउ ऑल स्किन्स आर फ्री, हमेशा कमेंट में स्किन वाले सेक्शन में अब जितने भी स्किन हैं वो सब फ्री में हैं, उनको आप प्रेजेंट टाइम में फ्री में क्लेम कर सकते हैं, सो उसे क्लेम जरूर कर लीजिएगा। फिर एक व्हाट एल्स, इस पर टच। फिर चेक आउट द हाईलाइट ऑफ द फर्स्ट सीजन, अब आप जो इसका पहला सीजन था उसके जो भी हाईलाइट थे उसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो नीचे लिखा है गो, इस गो पे आप टच कीजिएगा। टच करने के बाद इस प्रकार से चलने लगेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट पर टच कीजिएगा, फिर अगला आएगा, फिर नेक्स्ट पर टच कीजिएगा, इस प्रकार से आपका आता जाएगा। जो भी आपके सीजन वन में होंगे कि आपने कितना क्वाइन अर्निंग किया, कितने आपने कार्ड को अपग्रेड किए, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख जाएंगी, ठीक। फिर है कि दैट वॉज ऑसम, शैल वी प्ले नेक्स्ट, वो बहुत बढ़िया था, चलिए अब हम लोग अगला प्ले करते हैं। फिर एक प्ले इंटरलूड सीजन, इस पे टच कीजिएगा, ठीक, ऐसा आपको दिख जाएगा। चलिए जो ऊपर आपका जहां पे सीईओ लिखा है इस पे टच कीजिएगा। टच करने के बाद अब यहाँ पे जो भी आपको स्क्रीन है जो पहले लॉक थे वो अब आप फ्री में इन्हें टच करके बाई पे फिर टच कीजिएगा, ये अनलॉक हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से जाके जो भी सारे कार्ड है इनको आप फ्री में अनलॉक इस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक। फिर आपका यहाँ पे प्रॉफिट पर आवर है, अब आपका यहाँ पे डायमंड में अर्निंग होगा, ठीक है। पहले आपका जो इसका पहला सीजन था वहाँ पर पॉइंट्स मिल रहे थे पर आवर में, अब आपको यहाँ पर डायमंड्स मिलेंगे। फिर यहाँ पे राइट साइड में है मेमोरीज, इस पर टच कीजिएगा। टच करने के बाद यहाँ से जो भी आपका हाईलाइट होगा इस प्रकार से यह ओपन हो जाएगा, ठीक। फिर यहाँ पर न्यू टूडे, आज क्या है, तो ये एक फैक्ट्री वर्ल्ड का करके आपका गेम है, गेम खेलेंगे, वहाँ से कोड मिलेगा, पेस्ट द कोड हियर वाले ऑप्शन पे आप उसे पेस्ट करेंगे, फिर रिडीम पे टच करेंगे, आपको यहाँ से डायमंड्स मिलेंगे। फिर यहाँ पे आप मिनी गेम्स में आ जाइएगा इस प्रकार से, तो यहाँ पे पजल गेम और हेक्सा पजल दोनों ही हैं, इसे आप खेल सकते हैं जिस तरह पहले सीजन में था, यहाँ से भी आपको डायमंड्स मिलेंगे। फिर आपका यहाँ पे कार्ड माइन करना है, ठीक है, तो जो ये इन्फेक्टेड फ्रंटायर लिखा हुआ है इस पर टच कीजिएगा, ठीक है, यह तो गेम है। फिर यहाँ से बैक आएंगे तो यह आपका यहाँ पे एक माइन कार्ड्स का ऑप्शन है, इस पर टच कीजिएगा, ठीक। यहाँ से इस प्रकार से आप कार्ड न्यू कार्ड वाले सेक्शन में आपको इस तरह कार्ड दिख जाएंगे। जो पहला है आपका कि ईयर स्टडीसी, यह फ्री है, तो फ्री पे टच करके इसे आप इस प्रकार से बाय कर लीजिएगा। यहाँ से आपको 0.05 प्रॉफिट पर आवर आपको यहाँ से डायमंड मिलेगा, ठीक है। फिर आपका नीचे यहाँ पर प्लेग्राउंड है, तो यहाँ पे सारे गेम, मिनी गेम्स, गेम्स, ये सारे इस प्रकार से आपको जो भी माइंड कार्ड है, आपका जो अपना कार्ड होगा, न्यू कार्ड, जो मिस अपॉर्चुनिटीज होगा वो आप यहाँ पे इस प्रकार से देख सकते हैं, ठीक है।
अभी तक अगर आपने हेमस्टर कमेंट को ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप हेमस्टर कॉम्बैट को ज्वाइन कर सकते हैं और अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। फिर यहाँ पे है एयर ड्रॉप, इस पर टच कीजिएगा। टच करने के बाद देखिए लिखा है कि ऑफ चेन डिपॉजिट अपॉर्चुनिटी विल बी डिसेबल सितंबर 21:08 AM UTC, यानी 7 घंटा 13 मिनट बाद जो ऑफ चेन डिपॉजिट है वो आपका डिसेबल हो जाएगा, ठीक है। और 5 दिन में आपका जो एयर ड्रॉप है वो 26 सितंबर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे टोकन वाले सेक्शन में लिखा है कि सीजन 1 इज ओवर, फिर विथ डाल पे आइएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो भी आपको अपना विथ डाल चूज करना हो, चेंज करना हो, अभी आप अगले 7 घंटा 13 मिनट जब तक ये वीडियो बन रही है 7 घंटा 13 मिनट तक आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। रिसेट डाल ऑप्शन पे चूज कीजिएगा, जो भी आपको ऑर्डर चूज करना हो कर सकते हैं अपने आवश्यकता अनुसार। ऑलरेडी इस पे मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि कैसे बाइनेंस को ऐड करना है, कैसे वैलेट एंड टेलीग्राम को ऐड करना है, कैसे EBI एक्सचेंज पे अकाउंट क्रिएट करके इसे ऐड करना है, ऑन चेन एयर ड्रॉप पे कैसे आपको ये वैलेट को कनेक्ट करना है, इन सब पे मैंने एग्जाम्पल के साथ वीडियो बनाया हुआ है, और कैसे रीसेट भी करना है इस पे भी। तो आप जाके उनको देख सकते हैं अगर आपको रीसेट विड्रॉल ऑप्शन को यूज करने में कोई भी परेशानी हो रही हो, ठीक। तो ये आपका यहाँ से हुआ। फिर यहाँ पे कि फ्रेंड्स वाले ऑप्शन में आइएगा, ठीक है। यहाँ से जो भी आपको फ्रेंड्स होंगे इस प्रकार से आपको दिख जाएंगे। फिर नीचे है राइट साइड में अर्न्स, इस अर्न पे आप टच कीजिएगा। टच करने के बाद जिस तरह आप सीजन 1 में हेमस्टर यूट्यूब का जो चैनल वहाँ पे वीडियो देख के अर्निंग करते थे, तो यहाँ पे 2 वीडियो है देख के अर्निंग कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक एक डायमंड मिलेगा। फिर आपका यहाँ पे टास्क लिस्ट, जिसमें आपको फेसबुक फॉलो करना है, इंस्टाग्राम फॉलो करना है, इनका जो टेलीग्राम चैनल है उससे ज्वाइन करना है, फिर जो ट्विटर यानी एक्स है उसे फॉलो करना है, ठीक। फिर अगर आप 3 फ्रेंड को इनवाइट करते हैं तो आपको 3 डायमंड्स मिलेंगे। 8 फ्रेंड को इनवाइट करते हैं, सॉरी 7 फ्रेंड को इनवाइट करते हैं तो 8 डायमंड्स मिलेंगे। 10 फ्रेंड को इनवाइट करते हैं तो 12 डायमंड्स मिलेंगे। और 25 फ्रेंड्स को अगर आप इनवाइट करते हैं तो आपको 35 यहाँ से डायमंड्स मिलेंगे। तो यहाँ से ये सब चीज़ें आपको यहाँ से देख जाएंगे, और इस प्रकार से आप यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे कुछ खास है नहीं, जो भी सारे डिटेल है मैंने ऑलरेडी बता दिया है। मुख्य चीज़ ही फिलहाल प्रेजेंट टाइम में यही है कि जो आपका ऑफ चेन डिपॉजिट है वो अगले 7 घंटे में बंद हो जाएगा, और आप अगले 7 घंटे तक ही जो भी आपका यहाँ पे विड्रॉल ऑप्शन है उसे चेंज कर सकते हैं, उसके बाद आप चेंज नहीं कर पाएंगे। सोच समझ के जो भी इनके कंडीशन के अनुसार है अपना विड्रॉल ऑप्शन जरूर चूज कर लीजिएगा। अदरवाइज आपको हो सकता है कि अगर आपने गलत ऑप्शन चूज किया तो आपको 1 भी क्वाइन ना मिले, ठीक है। उम्मीद है कि अब आप जान चुके हैं कि हेमस्टर कॉम्बैट पे जो आपका न्यू सीजन मोड क्या है, इससे कैसे खेलना है, इसमें कैसे अर्निंग होगी, ठीक है। तो फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो, कोई सजेशन हो या किसी अदर टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो वीडियो का कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो जानकारी पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जो प्रेस कर दीजिएगा। तब तक मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।